मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए बिबिसन आप माही बीबी को रोक लें ना जाने के मतबल कितने विंदी पई है माही इद्दत के बाद तो माही बीबी अपने घर चली जाएगी ना तो आप रोक लें उसे ना जाने दे बीबी जी रोक इद्दत के बाद तो चली जाएगी बीबी सैन सिकंदर साई से उसका विवाह करा दें सिकंदर उसे न अपनी नौ बना लें वो बेटी सैन देखे ना सिकंदर साई का घर बच जाएगा और वो बच्चों को माँ मिल जाएगी और वो माही बीबी को सरकसाई मिल जाएगा सारे मसले सही हो जाएंगे आप मान जाए ना जी हाँ बीबी सैन ही में सारे मसले थी वैसन बिल्कुल ठीक थी वैसन तो सही कवरी सोचा तो सही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आए दादू दादू बिस्मिल्लाह अजब मेरी शहजादी की गाल है आज स्कूल से आते ही दादू की याद आ गई है कोई काम होएगा दस मिनट दादू हम तो आपसे परमिशन लेने आए हैं कल स्कूल वाले हम सारे बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं लेकिन चाची से आप हमारी सिफारिश करें ना वो हमें कल नहीं जाने देंगे माच तुम दोनों यहाँ पर हाँ स्कूल से आ गए और मुझे बताया भी नहीं चलो जल्दी से जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो और लंच की टेबल पे पहुंचो मुझसे ना उम्मीद रखना तुम्हारी चाची के आगे मेरा भी बस नहीं चलता देखा नहीं था जब मैं बीमार थी कैसे सख्ती करती थी मुझ पे है? चाची को बोलना मैं खुद पिकनिक पर लेकर जाऊं माई ये तो हो सकता है ना अच्छा ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों को पिकनिक पे लेकर जाऊंगी ठीक है खुश लेकिन रशीदा तो कह रही थी कि जब चाची की इज्जत पूरी हो जाएंगी तो वो यहाँ से चली जाएंगी दादू लेकिन आप ना चाची की इज्जत मत खत्म होने दी बानो बढ़िया बढ़िया गला नहीं करते सॉरी दादू तुसी दोवे तो मेरी जान हो ना शाबाश
खाना खा जाके। अच्छा पता है कब से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया। चलो खाना खा। माँ जी आप जाग रही हैं? ये रशीदा और आमना भी ना, रोशनी ही कर देती कमरे में। मेरे को अंधेरा चंगा लग सी, शाम की तेज रोशनी अखा चुभती है। लेकिन माँ जी अब तो शाम खत्म हो चुकी है, बाहर देखिए अंधेरा आ गया है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। ना पुत्र, हाली जी नहीं करता। इधर इधर मेरे को। माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, दिल बहुत बोझल है माही। मैं खुद तैमूर की याद बहुत आती। बहुत याद आते मैं खुद तैमूर। क्या करे पुत्र, इंसान है ना। माँ जी हुआ क्या? आज आप मुझे बहुत उलझी हुई लग रही हैं। अपने सिकंदर की वजह से परेशान हूँ पुत्र। सारी सारी रात घर से बाहर रहता है। वो कहाँ जाते हैं? पक्का उस कुड़ी ने तवीज किया है, पक्का। किन्नी बारी समझाया, किन्नी बारी किया, व्याह कर ले, घर बसा ले, पर नहीं। उच्चे उच्चे घरानों के रिश्ते हैं, पर कहते नहीं, दूजी आएगी तो सौतेली होगी, सौतेली माँ सौतेली होती है। सच कहा है किसी ने, दिल तक पहुंचने का एक रास्ता कानों से होकर जाता है। तुम्हारी आवाज तो ऐसी है कि उस रास्ते की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा दिल पे जाके लगती है। मगर क्या फायदा, दिल में तो फिर भी आपकी उतर नहीं पाई मैं, सिर्फ आवाज ही टकरा कर वापस आती रही आज तक। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? दिल पे उतरने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान सारी जिंदगी उसी के साथ रहे। कुछ रिश्ते बेनाम और बिला उन्वान भी तो होते हैं। और सदा बिला उन्वान और बेनाम ही रह जाते हैं। खैर छोड़िए। ये क्या? मन्नत का धागा है। सात जुमेरात फेरे डाले मैंने मजाक पर, तब जाके मिला ये धागा। तो इसीलिए इसमें सात रंग के धागे बन गए हैं। लेकिन ये तो बताओ, क्या मांगा मन्नत ने?
आप जानते हैं मेरी मन्नत क्या है, लेकिन इस बार मैंने खुद से एक वादा कर लिया। कैसा वादा? अगर इस बार भी मेरी मन्नत पूरी ना हुई ना, तो मैं खुद एक मन्नत बन जाऊंगी। अब मेरा मामला आपके साथ नहीं है, उसके साथ है जिससे मैंने मन्नत मांगी है। या तो वो मेरी मन्नत पूरी करेगा, या मेरी हर आस, हर ख्वाहिश, हर उम्मीद को निचोड़कर मुझे बंजर और वीरान कर देगा, मेरा हाफजा छीनकर मुझे दीवाना कर देगा। साईं, अब ये नीम पागल पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। ऐसी ही याद दहानी है ये, ऐसी ही गिरा है धागे और जाली के दरमियान। सलाम फकीर साईं। वालेकुम सलाम। बेबी सैंड ने न्याज भिजवाई है आपके लिए। माशाल्लाह अब वो पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी मालकिन को मुकम्मल सेहत दे और ये आमीन न्याज और खैरात कबूल फरमाए। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खैरात रखी है हवेली में और छोटी बहू की इद्दत भी खत्म हो रही है उसी दिन। साहब सब लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की है बीबी सैंड ने। कल का पता नहीं, पल की खबर नहीं, जिंदगी रही तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जिन्ना दुखां विच दिलबर राजी, सुख होना तो वारे। माशा दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। किसी को हवेली में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, समझ गए हो? तो ठीक है बीबी सर, पर एक बहुत डर लग रहा है जी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है छोटी सैन। सिकंदर साईं को पता चल गया तो वल क्या थी सी? इसलिए सिकंदर भाई को पता चलने से पहले ये रुका उसके हाथ में होना चाहिए जी। और तुम लोग किसी और बहाने से जाओगे, शाकिर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। पर छोटी सैन, छोटी बीबी सैन को पता लग गया ना तो वो सकुडू हां को जन्म मां छुड़े सी जी। फिर सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी, इतना एतबार है तुम दोनों को? ना बेबी सैन ना, तुम्हारे दादा साड़ी जाने कुर्बान है। फिर ठीक है, जैसा कहा है वो करो। सुनो, तुम दोनों को उसके ठिकाने का पता है? तुम दोनों जाओगे कैसे? मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं बेबी सैन, पता तक है नहीं, पर लब गिन सू जी। ठीक है, बहुत अच्छे, जाओ फिर तुम लोग जल्दी चले जाओ। माँ जी अभी सो रही हैं, वो उठ जाएंगी। तुम लोगों ने वापस भी आना है, बहुत वक्त लगेगा। अच्छा सुनो, हवेली की किसी सवारी पर मत जाना, बाहर बाजार से रिक्शा करना। ठीक है बीबी सैन। काम तो ओके जी, पर जीवन थोड़ा हुक्म आम ना। जाओ दी जोड़ी। अम्मा साइड कहाँ? नहीं, अपने कमरे में। सिकंदर भाई आप कहीं जा रहे हैं?
हाँ, मुझे करीबी ज़मीनों का दौरा करना है, उसके लिए जा रहा हूँ। खैरियत? दरअसल माँ जी आपको कल रात से बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा रात का खाना साथ ही खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं जी। ठीक है, अभी तो माँ जी सो रही हैं, उनके सर में दर्द था तो मैंने सोचा आराम कर लें थोड़ी देर। आप शाम तक तो आ जाएंगे ना? हाँ, मैं बस काम निपटा के जल्दी आता हूँ। ठीक है, फिर मैं माँ जी को बता देती हूँ कि आप घर पर ही होंगे, शाम की चाय उन्हीं के कमरे में पी लेते हैं। रुमाना बाजी, रुमाना बाजी, कहाँ हैं आप? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इतना? दो औरतें आई थी, आपके लिए खत दे के गई हैं। दो औरतें? कौन थी वो? पता नहीं, बहुत जल्दी में लग रही थी। मैंने इन्हें बोला भी कि दो घड़ी ठहर जाएं, मैं आपको इतला कर दूं, मगर वो रुकी ही नहीं। अच्छा ठीक है, ऊपर लेकर आओ। ठीक है, तुम जाओ। चंदा जी, चंदा जी, चंदा जी, आप यहां बैठी हैं? ओहो, मैं आपको सारे जहान में ढूंढ रही हूं। क्या हुआ लड़की, आज तेरे पांव क्यों नहीं जमीन पे पड़ रहे? सब ठीक तो है? सब ठीक है। मैंने कहा था ना, इस बार की मन्नत मेरी रायगाई नहीं जाएगी। ये देखिए, मेरी मन्नत का सिला। ये क्या? खुद ही पढ़ ले। अगर मैंने दोबारा पढ़ा ना तो खुशी से मर ही जाऊंगी। ये तो बुलावा है, तुझे हवेली से बुलावा आया। हाँ, फिर से कहें, सिर्फ सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। पर ये किसने भेजा तुझे बुलावा, और देकर कौन गया ये? मुझे नहीं पता, लेकिन पैगंबर हवेली से ही था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अगर तुझे हवेली से बुलावा भेजना ही था तो इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है कि किसी को इत्तला ना दी जाए? हत्ता कि सिकंदर साईं को इत्तला देने से भी मना किया गया है। हम जैसे उसे मिलने पर राजदारी तो पहली शर्त होती है ना। लेकिन आप ये सोचें कि जिस हवेली की दहलीज पार करने के मैं ख्वाब देखा करती थी, आज उसी हवेली से मुझे बुलावा आया। एक शरीफ शादी की तरह मुझे मधु किया गया है। खुदा करे कि जो तेरे दिल में है वो बात सच्ची साबित हो। अपने दिल से ये खदशे और वसवसे निकाल दीजिए चंदा जी। मेरा दिल कहता है ये वक्त गुजारना कितना दूभर होता जा रहा है। माँ जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपके कमरे में खाना भिजवा दूं? ना पता है, आज मेरा जी कर रहा है कि सारे बाला नाल बह के खाना खावा। इन्ने दिन बाद तो मौका मिले है, वरना सिकंदर इत कर ही नहीं टिकदा।
भावे माँ लख वारी बुलाए। क्या हो गया अम्मा साईं? आपकी एक आवाज में दौड़ा चलाता हूँ आपके पास। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मेरी गैर हाजिरी का जुर्माना लगाए मुझ पर, तो लगा दो। जुर्माना ते पुत्र लाना ही पड़ेगा। जद वेला सी जुर्माना भी ला सा। एक सेकेंड। हाँ लाओ यहां से। अरे दूसरी साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं कोई कमी ही तो नहीं। चश्मे बद्दूर। मेरा जी नहीं चाह रहा तुम्हें वहां अकेले भेजने को। मैं भी साथ चलूं? मैं वादा करती हूं मैं बाहर ही रुक जाऊंगी। घर के सहन में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंदा जी, उन्होंने मुझे वहां अकेले ही बुलाया है। आपकी फिक्रमंदी का एहसास है मुझे, लेकिन इस इम्तिहान से मुझे अकेले ही गुजरना है। आप बस दुआ कीजिए मेरे लिए। मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? तुम्हारे जाते ही मैं मसल्ले पे बैठ जाऊंगी, तुम्हारे आने तक नहीं उठूंगी। जाओ सुरखुरू हो के आना। सलाम साईं। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। तैयारी मुकम्मल है? बस सही, आपका इंतज़ार था। कितना वक्त होगा हमारे पास? डीसी साहब ने तो सारे 11 का वक्त दिया था। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर भी बुला रखा है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं साईं? क्या हमें कहीं और भी जाना है? हाँ वो मैं कोई नहीं, अगर वक्त हुआ तो मैं कुछ चक्कर लगा लूँगा। सैनरी जी ने सख्ती से वक्त पर वापस आने की ताकीद की है साईं। इसलिए तो कह रहा हूँ वक्त पे डिपेंड करता है। खैर अभी हमें निकलना चाहिए, जमीन का मसला आज ही हल करना है हमें, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी साईं। मैंने अभी माँ जी को दवा देकर सुलाया। जी मेरे हुक्म सैन। सिकंदर भाई कहाँ है? वो तो जी शाकर के साथ बाहर चले गए हैं। ठीक है तुम जाओ, उसे पीछे वाले हॉल में बिठाओ, मैं आती हूँ। जो हुक्म छोटे सैन। आदाब। बेकारन हूँ बस, ये सब खैरात नहीं चाहिए मुझे। तुम तो वही हो ना जो उस दिन? जी उस दिन बेकारन के रूप में आई थी और आज ऐसे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपने मुझे यहाँ तलब किया। उस बहरूप की जरूरत क्या थी?
बस बहुत अरमान था आपको और हवेली देखने का। खुदा ने दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी मेरी। वैसे बाकी सबके लिए ये राज ही है अभी तक। दो में आमना रशीदा के थन पता नहीं बीबी सैन जी ओ पीछे वाले हॉल की सफाई कर दी हो सन। माई बीबी छोटी सैन जी उन्होंने नाल ही हो सन जी कल पीछे वाले हॉल की सफाई दा बोल रही सी। उधर ते किसी दा अनजान भी नहीं। तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें यहां आने की बात को राज रखने का क्यों कहा था। मुझे इतनी खुशी थी यहाँ आने की कि कोई दूसरी बात जहन में ही नहीं आई। तुमने अभी कहा सिकंदर भाई तुम्हारे मोहसिन हैं, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारे मोहसिन की खातिर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी। आप मान कर तो देखें मैं कब से किसी दासी की तरह आपके हुक्म के इंतजार में हूँ। जिसे अपना मोहसिन समझती हो अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई सिकंदर आया था। चेहरे से तो आप इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती लेकिन सौदा करना खूब आता है आपको। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते बड़ी कम कीमत लगाई है आपने मेरे जज्बात की। आज तुम्हारे पास पूरा इख्तियार और हक है जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। चलिए ये आप पर उधार रहा। हाँ अगर दे सकती हैं तो फिर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो एहसास दे जो एक शरीफजादी की रगों में पलता है जहां सुहागन बनना उसका नसीब ठहरता है। लोग सदके वारी जाते हैं। बोलिए दान कर सकती हैं। चलती हूँ। बेफिक्र रहे अब मैं सिकंदर साईं से कभी नहीं मिलूंगी। अगर मेरे वजूद से उनको तकलीफ और अजियत मिलती है तो मैं ये अजियत खत्म कर दूंगी। अगर हो सके तो मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिएगा उन्हें। जिंदगी में मेरी आखिरी ख्वाहिश उनके कदमों को बोसा देना। मैं ऐना पूछ सा भिंडी इजाजत तो बगैर तूने उसे मेरी हवेली में आने की इजाजत दे दी थी। अच्छी मुझे एहसास है मेरी कार हले पूरी नहीं हुई। देखो पता है जब सिकंदर के बाद तैमूर पैदा हुआ था मेरा बहु मन करता था मेरी मेरी धी हुए दो पुत्रा बाती हो जासी तो मेरा घर बस जासी। धी हो तो
माँ की सहेली होती, पर अल्लाह ताई ने तब मेरी नहीं सुनी, पर आज आज उन्हें मेरी दुआ पूरी कर दी है। मेहंदी नू नहीं पता, मेहंदी ती है मेरी वही सखी सहेली जिदे लिए मैं दुआ कीती सी। बड़ी करुणा वाली है, बड़ी करुणा वाली। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बस आपकी बेकरारी नहीं देखी गई। अब आपको सिकंदर भाई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह से खैर कर सी, अल्लाह खैर कर सी। मैं अंदर आ सकता हूँ? डिस्टर्ब तो नहीं किया दोनों को? ना पुत्र को ना, बस मावतियां दिलदियां गला कर रहे सन। अगर आप चाहती हैं तो मैं मसे थोड़ी देर बाद आ जाता। नहीं, आप यहीं रहें, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मसे, ये सब क्या कुछ छुपा रही अपने बेटे से और इससे इतना प्यार क्यों बढ़ा लिया? जानती है ना, चार दिन बाद इसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। तिया तो होती फिदा होने के लिए, अब मेरा पुत्र मेरा सही अगर चाहे तो मेरी ती हमेशा ले रुक सकती है मेरे को। मुकेश, मेरे पुत्र एक गल दस, अपनी अम्मा साहब के लिए क्या कर सकना है? मैं जान भी दे सकता हूँ आपके लिए, लेकिन ये पूछने की जरूरत महसूस क्यों नहीं आपको? बेटा पुत्र, मेरी धीर में रोक ले, अपनी इज्जत बढ़ा के, अपने बेड़े की इज्जत बढ़ा के, अपने बच्चों की मां बढ़ा के रोक ले। मसाइनी, क्या कह रही हैं आप? मसाइनी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाई भाई साड़ी हवेली की इज्जत है, अपनी इज्जत के चाहते डाक के पुत्र अपनी इज्जत बना ले, तेरे तेरे बच्चे बहुत प्यार करे सन माई नाल। अम्मा सहन, माही चार दिन बाद उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, अपने घर को चली जाएगी, वो भला मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं माही नू मना लैसा, मैं गल करता ओदे नाल, अपनी चादर उदे पैराज पा के मना ले सा, मैं तू एक बारी हाँ कर दे। मसाई, माई के घर वाले दो बच्चों का बाप हो मैं, अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराएंगे? वो खुशियों पे हो उसका हक है, अभी जीने के दिन है उसके, और वो चाहेंगे अपनी बेटी को दोबारा इन अंधेरों में धकेल दें। पुत्र, मेरे को पक्का पता है, माही मन जासी तो उदे घर वाले भी मन जासन। मां प्यो ने दीदा घर वसाने की फिक्र हो सी उन्होंने भी, मेरा पुत्र मेरा शहजादा लक्का हजार है चिक्के। मसाई, ये नहीं हो सकता, बस
बन जा मेरा पुत्र। एक बारी अपनी अम्मा साहब की गल मन जा, फिर मैं कभी कुछ ना मंग सा। मेरा मान रख ले। क्या कर रही हैं आप? मेरी गल मन जा पुत्र, मैं सोच लिया माही मेंडी नू रहेगी। मगर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किससे मुलाकात हुई है? बुलाया किसने था? एक शरीफ जादी से, जिसने बहुत एहतराम से मुझे ये बताया कि बाजार वाली लड़कियों की डोलियां नहीं, जनाजे उठते। कोई इज्जतदार घराना उन्हें कबूल नहीं करता। से ख्वाब देखने वाली सदा ख्वाबों में ही भटकती रहती है। चलो अच्छा हुआ, ये भरम भी टूटा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। चार दिन रो लो, सोग मना लो, जिंदगी की तरफ लौट आओ। यही दुनिया का दस्तूर है। मरने वाला चाहे इंसान हो या रिश्ता, शोक तीन चार दिन का ही होता। नहीं, मैं अब सिकंदर साहिब से कभी नहीं मिलूंगी, ना ही उनसे महाना लूंगी। मैं इस जगह पे ही नहीं रहना चाहती। तो फिर कहां जाओगी? हमारे पास तो कोई दूसरा रहने का ठिकाना भी नहीं है। कहीं भी जाऊंगी लेकिन यहां नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी मैं यहां। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल। आप कहां जाएंगी मेरे साथ? क्यों जाएंगी मेरे साथ? मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है। एक पल में पराया कर दिया तुमने, बस इतना ही जान पाई थी तुम मुझे आज तक। चंदा बाजारी है पर है तो एक औरत। मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। जहां तुम जाओगी मैं भी वहीं रह लूंगी। अब मेरी कोई मंजिल नहीं है चंदा जी, कोई नहीं है। ये इतनी जल्दी कैसे सो गए? फेवरेट स्टोरी है, हमेशा एंडिंग से पहले ही सो जाते हैं। आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे बच्चों को देखने आया था। तुम आराम करो, वैसे भी रात हो गई।
फकीरा, माही रानी का कमरा ठीक कर दिया था कि नहीं? हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बस अब मैंने एक पल नहीं रहने देना उसे उस कैद खाने में। जी जी बड़ी सरकार, माही बीबी का कमरा तो मैंने कल ही सारा ठीक कर दिया था और उसी तरीके से हर चीज रख दी थी जैसे पहले थी। आप बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र तो मैं तभी होंगी फकीरा जब मेरी लाडो रानी वापस अपनी हवेली में कदम रखेगी। ये तो मैं ही जानती हूँ और मेरा दिल जानता है कि मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है। अल्लाह से सब ठीक कर देगा, बस आप सोचा ना करें। ये शाहजी कहाँ रह गए? जा देख तो जरा, कब से पैगाम भिजवाया कि आके दो घड़ी मेरी बात सुन जाए, कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। जी जी मैंने भी दो बार कुड़ियों को भेजा देखने के लिए, मैं खुद जाके देखती हूँ। जी जा देख तो जरा। सलाम बटीशी। शाहजी जी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि पैगाम पे पैगाम भिजवाया आपने मर्दाना में? शाहजी माही की इद्दत खत्म हो गई है, कब जाना है उसे लेने? कमाल करती हैं आप, आज ही तो उसकी इद्दत खत्म हो रही है और आज ही हम वहां जाकर खड़े हो जाएं। लोग क्या कहेंगे कि क्या हमारी बेटी कांटों पर बैठी थी अपने ससुराल में? पर शाहजी अब माही का वहां क्या काम है? अब तो कोई मजबूरी नहीं ना। जहां इतने दिन सब्र किया है, दो चार रोज और कर लो। अपनी बेटी की 4 महीने की कुर्बानी पर पानी मत फेरो। देखो चंद रोज बाद साहिबा को साथ ले जाना, उसको ले आना। ये औरतों का काम है, औरतें करती अच्छी लगती हैं। जागीरदार ने जी ने शाम को मजार पर जाना साईं, हमें जल्द वापस पहुंचना होगा। हाँ लेकिन मेरा रुमाना से मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त, जरूरी बात करनी है मुझे उससे। चलो जल्दी। अच्छा किया जागीरदारनी जी आपने, 9 दी मुद्दत खत्म होंदे ही दुआ ते कुरान खानी दा इंतजाम करवाया। जान वाले दी रूह नूं सवाब भी जाएगा इस नेक अमल तो। आपकी बहू के मेके वाले नजर नहीं आ रहे, लगता है आपने उन्हें बुलाया नहीं। पैगाम भेजे आजा सन। सच्ची गाल है, माई के जाने का सोच कर इंडा दिल चुप जासी। हाँ सच है, ये भी तो तैमूर ही की निशानी है। और सुना है कि बड़ी ही तमीज वाली और समझदार बच्ची है, और आपकी बीमारी के दौरान पूरी हवेली इसने ही तो संभाल रखी थी। उम्र तो छोटी है लेकिन माँ ने बड़ी ही अच्छी तरबियत करके भेजा है। तरबियत क्यों ना चंगी होवे, पीरां दे खानदान च हैगी है, जैसी सुगड़ मां वैसी लायक बेटी। सुना है पीर साहब के दरबार पे आज बड़ा चढ़ावा और खरात भी बांटी जाएगी। हाँ असर तो बाद मैं इन्हें लाना चाहती।
मन झूम झूम तन झूम